सर यहाँ सर दोनों को ले रहा हूँ ठीक है एक ड्रिंक लाइन दो ना आंखें बंद हो गई है सर की लाइट एक रखना रखना सर टेबल आ रहा जो बोला वहां से टेबल आ रही टेबल देखो एक मिनट वो स्टैंडिंग के पेपर हां छोटी टेबल आ रहा हां वो फुल टेबल आ आप सेंटर में ही सिंगल दादा यहाँ पे दादा 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 यहाँ पे अरे आप आओ ना येलो अभी बीच में आइए हम इनका बर्थडे है बाबा इधर आपके भाई इधर सामने बहुत अच्छा हो गया गाना आपका सुपर है पहले बहुत अच्छा लगा
आप लोग आपके लिए मैं आया घर में इतना भीड़ है बर्थडे के दिवस सबसे शुभ अवसर पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ मंजू जी का आज बर्थडे है हैप्पी बर्थडे टू मंजू जी प्लस मुकेश हमारा बहुत फेवरेट आर्टिस्ट है गुड ह्यूमन एंड दे हैव डन वन फिल्म दो पल प्यार के ये एक ऐसा म्यूजिक आ रहा है जिसमें मैंने दिया नहीं ऊपर वाला दिया है सब उनका आशीर्वाद से हुआ ऐसा गाना बनता नहीं हर गाना एक अलग टाइप का है अलग ओनर पे है तो मैं चाहता हूँ बस आज का शुभ अवसर पर हैप्पी बर्थडे मंजू जी का बोल रहा हूँ ये पिक्चर का गाना सबका जबान पे आए ये दुआ कीजिए डायरेक्टेड बाय पार्थ घोष एंड मैं मेरे हिसाब से पिक्चर कंप्लीट भी हो गया रिलीज हो रहा है बहुत जल्दी आप लोग को दुआ चाहिए आशीर्वाद चाहिए प्यार चाहिए कितने गाने हैं और किस मूड के गाने हैं आई थिंक फाइव सॉन्ग्स एंड ऑल डिफरेंट कोई गाना सूफी है कोई गाना जैसे मैंने गाया दम दम पार्टी एक गाना है एकदम मेरा स्टाइल का एक दो गाना टेरिफिक है रोमांटिक सॉन्ग जो शान और पलक ने गाया एक अरमान ने गाया एक्सीलेंट सॉन्ग और एक पंजाबी स्टाइल का गाना है एंड आई थिंक सो इज अ वेरी डिफरेंट म्यूजिक थैंक यू अरे आज का ही तो म्यूजिक है सब कुछ आज का तो म्यूजिक है अभी बद्रीनाथ की दुल्हन है तो आज का ही है इत्तेफाक भी आज का है डैडी भी आज का है नाम शबाना भी आज का है लास्ट ईयर का 5 फिल्म ऑल पॉपुलर सॉन्ग बट आजकल हाँ पुराना गाने का रिमिक्स हो रहा है बिकॉज पुराना गाना जो है वो था 5 डेज क्रिकेट मैच 2 डेज सॉन्ग इज 1 डे क्रिकेट मैच आते हैं जाते हैं लेकिन क्यों आजकल इतना अब खाली मेरा गाना नहीं सबका गाना ही हो रहा है रिमिक्स एक उसमें है एक दम है जैसा जिमी आजा मेरा गाना रशियन लैंग्वेज में डबिंग है चाइना लैंग्वेज में डबिंग है कोलंबो में डबिंग है सिलोनीज लैंग तो वो सब गाना जो एक बन गया था अभी भी वो गाना चल रहा है लेकिन मेरे हिसाब से आई एम वेरी मच प्राउड आई जो दो पल प्यार के जो गाना है एक्सीलेंट आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा मैं आपको एक शख्सियत आप एक अकेले ऐसे शख्स हैं जो आज के ट्रेंड में हम आज के ट्रेंड की बात करते हैं एक फिल्म में 3 म्यूजिक डायरेक्टर अलग अलग आप ही ऐसे हैं जो अब तक म्यूजिक दे रहे हैं और पूरी फिल्म का अकेले म्यूजिक दे रहे हैं क्या खास है जो आपको यहाँ तक लाता है नहीं हम तो आई हैव डन वर्क फ्रॉम गोल्डन एरा बापी लहरी लक्ष्मीकांत परेलाल कल्याण जी आनंद जी आर डी बर्मन इसको बात तो कोई हम लोग को ग्रुप में कोई नहीं है जो आया उन लोग लता मंगेशकर से गाना नहीं गवाया ना मोहम्मद रफ़ी साहब से गाना गवाया ना किशोर कुमार जी थे ना आशा भोसले शी सैंग मोर देन आर डी बर्मन शी सैंग 340 फिल्म्स 120 सॉन्ग्स और मेरा साथ गाना गया 350 सॉन्ग्स तो मैं इतना वही एरा से आया तो उस टाइम में एक ही म्यूजिक डायरेक्टर होता था एक म्यूजिक डायरेक्टर नॉट मी लाइक बैकग्राउंड म्यूजिक भी बापी लाए तो उस टाइम में जो काम किया धीरे धीरे मैं जब देखा तीन म्यूजिक डायरेक्टर एक एक गाना करते हैं एक उसमें क्या होता है एक पिक्चर का पकड़ चला जाता है लेकिन आई एम वेरी प्राउड फॉर दिस फिल्म पूरा म्यूजिक अच्छा गाना हो गया हाँ बस मेरा तो अभी लायन रिलीज हुआ लायन ऑस्कर में गया था मेरा गाना था गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी झूम 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 बाबा जो मैंने गाना था ना ये रात में ही जो मजा है गाना था तो अभी एक मैं एल्टन जॉन के लिए काम किया था मैन विद द गोल्डन सर्कल जो रिलीज हुआ अभी लंदन में उनका पूरा हिंदी में डबिंग और गाना मिल गया है तो सर एल्टन जॉन मेरा बहुत फेवरेट है तो बस मैं चाहता हूँ बस आगे भी काफ़ी मेरा काम चल रहा है हॉलीवुड में बस आप लोग दुआ कीजिए अच्छा काम सभी अच्छे हैं शान है अलका है कविता है पलक है अरिजीत है अरमान है सभी अच्छे आज दादा जो आपने अरमान से गाना कराया वो तो बहुत ही हिट गाना है बहुत अच्छा क्यों अरमान के अरमान जो है अरमान का जो है तो एक अलग है बिकॉज
अरमान का साथ मेरा एक अलग रिश्ता है। जब सारेगामा पा में वो टॉप फाइव से आउट हो गया था, मैं उसको बोला था तू एक दिन एस्टेब्लिश होगा, वो एस्टेब्लिश हो गया। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बस बस चल रहा है। ओके थैंक यू। डेफिनेटली आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक दादा, इट्स अ लीजेंडरी पर्सन, और उनके हाथों से आज मेरा केक कटिंग हुआ है। मेरी बहुत दिन की ख्वाहिश थी कि मैं दादा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूं, बट हमेशा मैं बाहर ही रहती थी, और मैं इस बार बॉम्बे में थी और मैंने दादा से रिक्वेस्ट की, और दादा के घर पे बहुत बड़ा फंक्शन है कल, बहुत बड़े गेस्ट आ रहे हैं, उनके बेटे का नामकरण है। इतने बड़े फंक्शंस में से उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला, सो आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल। घर पे इतने सारे गेस्ट हैं उनके, फिर भी दादा इधर आए तो थैंक्स के मतलब इतना बिजी समय, मैं समझता हूँ कि हम लोग गए थे घर पे जो कल इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, और बट फ़ोन पे भी यही बोला नहीं मैं मंजू का जो है बर्थडे में ज़रूर आऊँगा, और इतना बिजी होने के बाद भी वो इतने अच्छे इंसान हैं कि वो यहाँ पर मंजू के जो है बर्थडे के केक का के समय आए और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, और ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही रहती हैं, बट आज स्पेशल डे पे उन्होंने स्पेशल ब्लेसिंग्स दी हैं सुबह से ही। सबसे बड़ी तो हमने फिल्म के लिए के बहुत अच्छे उन्होंने जो पूरा म्यूजिक दिया है इस फिल्म के अंदर, जो दादा ने यह भी बोला है कि आने वाले जो समय, मुझे लगता है कि सारे गाने हिट हो सकते हैं, कि बहुत अच्छी तरीके से जो कह सकते हैं कि लोगों को अच्छे लगेंगे ये गाने। आपने फिल्म की बात की, किस तरह की फिल्म है, क्या फिल्म? आउट एंड आउट म्यूजिकल फिल्म है, और बप्पी दा का म्यूजिक है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, हर तरीके के सॉन्ग्स दादा ने दिए हैं। अगर हम बात करें तो अभी सूफी का ट्रेंड चल रहा है, सूफी सॉन्ग दादा ने दिया है, फिर बहुत ही मेलोडियस एक रोमांटिक ट्रैक है, और उसके बाद एक नॉटी वाला पंजाबी सॉन्ग है जो नॉक झोंक, जो कॉलेज स्टूडेंट आज के यूथ को लेके हमने बेस्ड करके उसको शूट किया है। तो 5 सॉन्ग्स हैं, और दादा ने काफ़ी वैरायटी दी है फिल्म में। म्यूजिकल फिल्म है तो म्यूज़िक इतना अच्छे एंगल से दादा ने पिरोया है एज पर द कॉन्सेप्ट, सो वी आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द म्यूज़िक पार्ट। और उसके बाद हमने इसको शूट बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छी प्यारी लोकेशन, नैनीताल, मुरादाबाद, यूपी नॉर्थ बेस्ड प्रोजेक्ट है तो नॉर्थ में शूट किया है, और उसके बाद में इसको डायरेक्ट पार्थोदा कर रहे हैं। तो बहुत ही आउट एंड आउट एक हम लोग कह सकते हैं कि आज के ट्रेंड को हमने दिमाग में रख के सारी चीज़ों को हमने इस फिल्म में पिरोया है। पार्थो जी की बात करो, अलग तरह का सिनेमा बनाते हैं, उनको ऑन बोर्ड लाना कितना मुश्किल आसान रहा, और किस तरह, क्योंकि जब हम फिल्म का नाम सुनते हैं तो लव स्टोरी सुनाई देता है, लेकिन पार्थो अपने थ्रिलर के लिए, अपने सस्पेंस के लिए जाने जाते हैं। डेफिनेटली दादा को ऑन बोर्ड लाना बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था हम लोगों के लिए, बिकॉज हम लोगों की फिल्म उनके जॉनर से बहुत डिफरेंट फिल्म थी। इट्स अ रोमांटिक एंड एक सोशल सब्जेक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं जिसको कंप्लीट फैमिली बैठ कर देख सकती है, कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट है, एंड दादा का जॉनर डिफरेंट, एकदम ही डिफरेंट, और उनको इस हम लोग ऑन बोर्ड लेकर आए हैं, और बहुत कन्वेंसिंग रहा एक दूसरे का कन्वर्सेशन, तो थोड़ा सो डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट रहा, बट फाइनली दादा ने उसको एग्री किया और ये फिल्म कंप्लीट की है। क्या सोशल मैसेज कैरी करेगी फिल्म? आज यू नो एक ट्रेंड सा चल गया है, टॉयलेट एक्ट्रेस पता की बात करूं या पैडमैन की बात करूं, जिस तरह का सिनेमा बन रहा है, यू नो बड़े-बड़े सुपरस्टार जिस तरह के सिनेमा का पार्ट बन रहे हैं, तो सोशल मुद्दा कैरी करता है एंड ऑफ द फिल्म, तो क्या सोशल कॉज आपने उठाया है जो
देखिए एक सोशल सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी जो फिल्म है ये दो पल प्यार के, उसमें सबसे बड़ा सब्जेक्ट तो यही है कि एक कुछ लोग इंडिया से बाहर पढ़ने जाते हैं फॉरेन कंट्री, और हमारी फिल्म का कुछ ऐसा एक बहुत अच्छा सोशल सब्जेक्ट है एजुकेशन को लेके, जो फॉरेन कंट्री से इंडिया आए हैं पढ़ने, तो उस तरीके का सब्जेक्ट है जो कि बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने जो है, जैसे कि बहुत सारे अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत सारा एक सोशल कॉज चल रहे हैं, सो एजुकेशन पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, हमारी इंडिया की एजुकेशन कैसी स्ट्रांग हो, क्या चीज़ें हम लोग करें, स्पेशली नॉर्थ में एजुकेशन का क्या लेवल है, वो एक बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही स्ट्रांग तरीके से हमने इस फिल्म के ड्यूरिंग दिखाया है, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और यहाँ से लोग बाहर एब्रॉड जाते हैं, हम लोग ने कैरेक्टर को एब्रॉड से यूपी में लाया है और वहाँ पे उसकी एजुकेशन को लेके किस तरीके से हमने पिरोया है, ये फिल्म में बहुत इम्पोर्टेंस पार्ट है हमारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस। ग्लोबल एज अ कंपनी It has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, आपकी फिल्म The Great Leader आ रही है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर? एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं, तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? द ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर for innovative outdoor solutions.